नाजरीन तारीख़ और आज की दुनिया में खुश आमदीद नाज्रीन पिछले प्रोग्राम में हमने तारीख़ और इनकलाब का तफसील से ज़िक्र किया आज के इस प्रोग्राम में हम इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबारक अली और प्रोफेसर फफ़फ़फ़फ़र अली ख़ान जी डॉक्टर साहब अठारह सौ सतावन की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने एक बगावत तसवर किया और उसकी म्यूटनी के नाम से पुकारा ये जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं इनकलाब च आज़ादी मज़ात बगावत क्या इनकी कोई हैसियत है या ये महज एक नुक्ता नज़र पर डिपेंड करता है नहीं मेरा ख़्याल से थोड़ा सा इसकी हम तशे तो हाँ से करते हैं कि जब हम बगा, बगावत का कर जिक्र करते हैं तो बगावत के की वजूहत होती हैं सियासी वजूहत भी होती हैं माशी भी होती हैं ये कभी मतलब के शाही ख़ानदान को हुकूमत को खत्म करने के लिए मतलब कि बगावत की जाती थी खाना जंगी उसके नतीजे में होती थी कभी किसानों की बगावतें रही हैं जो उनको उनसे ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था उसके ख़िलाफ़ वो उठ खड़े होते थे और कभी कभी बहुत सी समाजी वजूहत होती थी लेकिन बगावत में कोई निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं होती थी यह था कि जो उनके साथ जाती हुई है यानी अगर टैक्स ज़्यादा लगाया है गया है तो वो कम हो या अगर कोई शहजादा बगावत करता था तो इसका मतलब ये था कि वो हुकूमत को ख़त्म करके ख़ुद इकतदार काबिज होना चाहता है तो बगावत एक तरह से किसी निज़ाम को मुकम्मल का खात्मा करके कई नए निज़ाम लाने का नाम नहीं थी अच्छा इसी तरीके से आप देखें मज़ाहमत की तहरीकें जो होती हैं मज़ाहमत की ये तहरीकें भी जमातें या ग्रुप्स जो हैं वो करते रहे हैं और इनके भी कुछ मतालबात हुआ करते थे मसला कोई सत्तरवीं सदी के अंदर इंग्लिस्तान के अंदर लेवलर और डिगर ये दो तहजीबें दो तहरीकें थीं जो उठीं इनका मकसद ये था कि उन्हें वोट का हक जो है वो दिया जाए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसका खात्मा किया जाए और उनको जो एक कुछ बुनियादी हकूक़ हैं आज़ादी के वो दिए जाएँ ये इनका मकसद था यह जैसे हिंदुस्तान में मोफिला तहरीक जिनूबी हिंदुस्तान के अंदर उठी थी चूँकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया गया था तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने वो तहरीक उठाई थी आम तौर से बगावत और जो मज़ाती तहरीकें होती हैं इनमें रियासत से मुकाबला होता है और रियासत ये कोशिश करती है कि इनको सख्ती के साथ कुचल दे फ़ौजी ताकत के ज़रिए से तशद्द के ज़रिए से और ऐसा होता भी रहा है बहुत कम ऐसा हुआ है कि बगावतें या मज़ाती तहरीकें कामयाब हुई हैं ये ज़रूर हुआ है कि अगर हुकूमत में कोई आ, यानी समझ होती है तो वो बाद में कुछ असलाहत करके अपने निज़ाम को बेहतर बना लेते हैं जो जंग आज़ादी की आपने बात की जैसे अठारह सत्तावन की हुई जंग आज़ादी आमतौर से नोबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है कि जो गैर मुल्की हुकूमत पे या मुल्क पे काबिज़ हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए तो अठारह सत्तावन के अंदर भी यही हुआ था और देखा जाए तो अमेरिका में जो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ तेरा कॉलोनीज़ ने जंग लड़ी वो भी जंग आज़ादी ही थी चूँकि वो भी कलोनील पावर के ख़िलाफ़ थी और दूसरी जंग अजीम के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में ये जंग आज़ादी की जंगें जो हैं लड़ी गई हैं आज़ाद होने के लिए तो जंग आज़ादी इस तरह से एक मुख्तलिफ है जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो इनकलाब का तो मतलब ये होता है कि एक निज़ाम को खत्म करके बिल्कुल एक मुतबाद दूसरा निज़ाम जो है वो लाया जाए <क्ष़ीव> ये इनकलाब की जो अहमियत है, है या इनकलाब का जो फ़र्क़ है वो ये है अब यह है कि इनकलाब किसको हम कहते हैं दो किस्म का होता है एक तो हमने जैसा पिछला पिछली बार कहा कि कुछ यानी आहिंदगी के साथ आता है जैसे साइंसी इनकलाब है या सनती इंकलाब है इनके नतज ज आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं एक सियासी इनकलाब था जैसे फ्रांसीसी या रूसी या चीनी जो एकदम आते हैं और एकदम यानी पूरे निज़ाम को उलट के रख देते हैं और उसकी जगह नया मुतबाद निज़ाम जो है वो लेके आते हैं तो ये मेरे ख्याल से इस फर्क को हमें जहन में रखना चाहिए प्रोफेसर <laughs> मार्क्स का इनकलाबी नजरिया क्या था एक यंग हील के तौर पर हीगल के यंग फॉलोअर के तौर पर अपना ये फलसफियाना खोज का सफ़र शुरू किया अर्ली पीरियड में वो उससे बहुत मुतसर हुआ बाद में उसके जो इसेंस थी वो इसने लेके उसके जो बुनियादी ख्याल थे उनको लेके और बकौल उसके वो सर के बल खड़े थे उसने पाँव के बल खड़ा कर दिया ये जो हीगल के यहाँ कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्सल स्पिरिट तारीख़ में अपने आप को वाकयात के हवाले से शख्सियात के हवाले से अकरज के हवाले से अनफोल्ड करती है अपनी तजसीम करती है अपना अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उन्होंने ये जो आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट था मार्क्स ने इसे मटीरियलिस्ट एस्पेक्ट में तब्दील किया कि तारीख़ में जो कुछ होता है वो इस ज़मीन पर यहाँ के बसने वाले लोग करते हैं अपने मादी हालात के अंदर रहते हुए वो इसमें इंटरेक्ट करते हैं और बुनियादी जो बात है तारीख़ में हरकत की वो हरकत का कानून मावराई नहीं है ज़मीनी है लोग अपनी खुरदनोश के लिए अपनी ज़रूरिया के लिए कोई पैदावार करते हैं और ये जो पैदावारी निज़ाम है इसके साथ तकसीमी निज़ाम होता है तो ये मोड ऑफ़ प्रोडक्शन इसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ ये दो बातें जो हैं ये डिटरमिन करती हैं मोड ऑफ़ प्रोडक्शन या पैदावार का जो तरीका होता है वो ख़ास किस्म के इंसानी रिश्ते उसमें बनते हैं एक वक्त आता है कि वो इंसानी रिश्ते जो किसी ख़ास मोड ऑफ़ प्रोडक्शन में मुआन होते हैं वो रुकावट बन जाते हैं जब वो रुकावट बन जाते हैं तो पैदावारी पैदावार बढ़ना चाहती हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है जिसमें इंसानी शूर की डेवलपमेंट होती है जिसमें स्किल्स की डेवलपमेंट होती है नॉलेज की डेवलपमेंट होती है तो इज्तमाही तौर पर ये प्रोडक्टिव फोरसेज़ जब बदलती हैं तो पैदावार के तरीके बदलते हैं और पैदावार के साथ रिश्ते बदलते हैं पुराने रिश्ते जो हैं वो बेजबर कायम रहने की टेंडेंसी होती है और नई फ़ोर्सेज जो हैं वो उन्हें तोड़ती हैं इस टकराव से एक तजाद की कैफियत पैदा होती है नए जो पैदावारी रिश्ते हैं वो नए तबकात को जन्म देते हैं और नए तबकात जो हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि जो पुराना जो सिस्टम है उसको तब्दील करें उसे तोड़े तो गए इसका मतलब ये हुआ कि ये पैदावारी रिश्तों के बदलने से इंसानों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो भी बदल जाते हैं और उसके टकराव के नतीजे में अगर वो ना बदलें जो मजामत और बगावत उससे फूटती है और उसके नतीजे में समाज में एक सामाजिक तब्दीली का एक अमल शुरू होता एक है अमल शुरू होता है तो इसकी क्या हम समझते हैं कि इसी नज़रिए के मुताबिक जो है वो रूस का इनकलाब बरपा हुआ और उस इनकलाब ने फिर क्या हतमी तौर पर यानी फॉरवर उन रिश्तों को तब्दील कर दिया या फिर इनकलाब के बाद भी फिर एक सूरत रहती है कि जिसमें शायद मज़ीद इनकलाब या रद्द इनकलाब भी आता है ये इसमें अगर देखें तो मार्क्स का जो नुकतः नज़र था उसके मुताबिक तो तरक्की याफ़्ता जो सनती मुमालिक थे जिनमें सनत तरक्की कर गई थी मज़दूर तबका वजूद में आ गया था और वो बढ़ता हुआ फ़ैलता हुआ और ज़्यादा मनज़म होता हुआ मज़दूर तबका उसके ख्याल में ये उस सिस्टम को बदलेगा ऐसा नहीं हुआ ना इंग्लैंड में जो सनती तौर पर तरक्की याफ़्ता था ना जर्मनी में जो सनती तौर पर तरक्की याफ़्ता था इनकलाब हुआ कोशिशें हुई जर्मनी में बार बार कोशिशें हुई लेकिन जो हाकिम तबका था उसने उन कोशिशों को नाकारा कर दिया इनकलाब आया तो रूस में मार्क्स का कॉन्सेप्ट या उसकी आइडियालॉजी या उस नजरिए से लेस लोगों की लेनिन की क्यादत में एक पार्टी वजूद में आ गई लेकिन यह रूस जो है यह सनती तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं पसमांदा था और इस पर, पसमांदा आ, मुल्क में ये हुआ कि लेंनन की बसीरत और बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक तरह की बॉशविक पार्टी उन्होंने उस मौके पर कि जब जंग से रशिया जंग में फंसा हुआ था उससे विड्रॉ करने की बात की लोगों की ज़रूरत थी और उनको पीस की ज़रूरत थी विड्रॉ करके एक बादशाहत जो थी वो एक तरह अपनी जो मॉरल अथॉरिटी है लोगों की हालात इतने ख़राब थे कि वो खो बैठी थी इस गैप में जो पीटर्सबर्ग के मज़दूर थे वो उठे और साथ फौज जो थी वो वापस आई वापस आ रहे थे लोग और वो मिल के एक तरह एक ख़ास सिचुएशन बन गई ऐसी जिसमें बॉल्शविक पार्टी ने कैप्चर कर लिया नहीं। नहीं। बावजूद इसके कि उनके क्लेम के मुताबिक वो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मार्क्सिस्ट नुकतः नज़र से सोचते थे तज्जिया करते थे लेकिन मार्क्स के बनाए हुए जो असूल थे उसके मुताबिक ये सनती तौर पर तरक्की याफ़्ता मुल्क में एक जो मादी जबर जिसे कहते हैं इनकलाब का वो नहीं था बल्कि इसमें इख्तियार और एक ख़ास किस्म की मारूजी हालत और उसमें इख्तियार का अंसर जो था यानी ह्यूमन विल का जो अंसर था वो उस कॉन्शसनेस ने रोल प्ले किया और फिर जब पावर पकड़ ली उन्होंने और फिर पावर पकड़ने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसे अवाम के हक़ में इस्तेमाल करेंगे उनके ख्याल के मुताबिक अवाम के हक में उसे इस्तेमाल किया अच्छा गोया इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने बड़ी वजह से बताया कि मार्क्स का जो अपना ओरिजिनल नुक़ँ नज़र था उसमें ये इनकलाब जो है ये जो उनकी जो इन लाब का जो नजरिया था वो सनती ममालिक पैदावार रिश्ते इस हद तक बढ़ जाएँ कि वो एक नए निज़ाम के लिए वो के हो जाए और वहाँ पर वो इनकलाब हो।, हो लेकिन रूस के अंदर ये इसके बरक्स हुआ कि जहाँ पर बिल्कुल एक पसमानदा समाज के अंदर ये तब्दीली हुई तो डॉक्टर साहब इसी तरह से अगर देखा जाए तो चाइना का जो इनकलाब है वो भी शायद चीन भी उस दौर में इतना तरक्याफ्ता मुल्क नहीं था इतनी इंडस्ट्रियल पावर नहीं था क्या कि जिसके नतीजे में यानी एक नया मॉडल वजूद में आया या रशियन मॉडल को ही चाइना में सामने लाया गया अच्छा देखें एक चीज़ जैसा जफर खान ने कहा ना कि मास्क का नुत नज़र तो यही था कि पहले एक यानी समाज जो है मुख्तल मराहिल से गुजर कर एक यानी पुख्तगी की हद तक जो है बाशहूर हो और उसके बाद अक्सरियत जो है वह इस काबिल हो कि वो इनकलाब के लिए तैयार हो लेंिंग जो था उसके सामने कुछ यानी जो आ, जो के प्रैक्टिकल बमल सियासतदान था और रूस के हालात से वाकिफ़ था इनकलाब लाना चाहता था तब्दीली लाना चाहता था उसने शुरू के अंदर इस नज़रिए में तब्दीली की और वही तब्दीली ये थी कि हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि माशरा पुख्त की, की हद तक पहुँचे और उसके बाद फिर हम इनकलाब लेकर आएं इतना इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है बल्कि एक फ़ाल इनकलाबी पार्टी जो है वो अगर तैयार हो जाए तो वो इनकलाब ला सकती है इस इसी मकसद के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो बाद में बादशफिक पार्टी कहलाई उसने इसकी तैयारियां कें अगरचे बाद में उसने अपने ख्याल में तब्दीली कर ली थी कि यानी अक्सरियती लोग जो हैं उनको भी उसके अंदर उनकी शमूलियत भी ज़रूरी है लेकिन उसने जो इनकलाब लेकर आया है वो एक इनकलाबी पार्टी के ज़रिए से रूस में इनकलाब लेकर आया तो इसलिए बात उसमें यह है कि अपनी हालात के तहत आ, और सूरत हाल को देखते हुए आ, यानी नज़रियात को तब्दील करना भी चाहिए और होना भी चाहिए अब जाहिर है कि इसके बरक्स जैसे यानी माओ का जो चीनी इनकलाब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है चूंकि माओ ने तो कहा था ना कि फरोलतारी या मजदूर या वर्कर्स लेके आएंगे यानी उसने ये नहीं कहा था कि किसान लेके आएंगे किसानों की उसके उसमें उस गुंजाइश नहीं थी उसके यहाँ लेकिन चीन की सूरत हाल ज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलफ थी एक तो उनकी पूरी तारीख़ में किसानों की बहुत तवील अरसे तक बगावतें रही हैं जो हुकूमत के साथ वो करते रहे हैं तो किसानों के अंदर एक शहूर था माओ ने उस इनकलाबी पैदा किया उनको मनज़म किया और मनज़म करने के बाद वहाँ की भी सूरत हाल जो थी वह जंग की वजह से और भी इनके हक़ में हुई कि जब जापान ने हमला किया तो उस वक्त फिर जो नेशनलिस्ट हुकूमत थी उन्होंने उनकी ख्वाहिशी के मुतह होकर उनका मुकाबला किया जाए उन्होंने उनका मुकाबला किया एक चावल लाई के ज़माने में जब जापानी वज़ी वहाँ पर आया वज़ी अजम तो उसने माजरत करते हुए कहा कि हमें अफसोस है कि हमने आपके ऊपर हमला करके इतनी तबाही की नुकसान पहुँचाया तो चाव ने कहा नहीं, नहीं हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं अगर आप नहीं आते तो हम आज भी धारों के अंदर रह रहे होते तो कभी कभी जैसे रूस के अंदर जंग जो है उसने इनकलाब की राय हमवार की बिल्कुल इसी तरह चीन के अंदर भी इनकलाब ने इन के लिए राय हमवार करने में जंग का भी हिस्सा है अच्छा लेकिन एक तीसरा फिर नुक्ता नज़र हम देखते हैं जो लैटिन अमेरिका में है चे गवेरा और फीजल कास्तर का इनका ये था कि एक इनकलाब हम मुसल्ला जद्दोजहद या गोरीला जंग करके ला सकते हैं और ये एक कामयाबी के साथ क्यूबा के अंदर लेकर आए ये तो इसलिए इनकलाब के नज़रियात जो हैं वक्त के साथ बदल रहे हैं और बदलते रहते हैं और बदलते रहना भी चाहिए जो कि आज इनकलाब का वो नज़रिया नहीं है जो मार्क्स ने दिया था या लेनिन ने दिया था या माव ने दिया था अब लातनी अमरीका आजकल बिल्कुल उससे अलग हट कर इनकलाब को एक अपने हालात के तहत जो है वो देख रहे हैं जी नाजीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ जी नाजरीन ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तु आवाज करते हैं जी डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि गोया इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स का जो एक ओरिजिनल जो उसका फलसफा था सामाजी तब्दीली का उसको मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ गिरोहों ने अपने मरूजी हालात के मुताबिक री इंटरप्रेट किया जैसे प्रोफेसर साहब ने रशियन इनकलाब की बात की आपने चाइना के इनकलाब और उसके बाद फिर लातीनी अमरीका में जो बीसवीं सदी में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनमा हुई उनमें मार्क्स का जो औरिजनल नज़रिया तो था लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये समझा कि उनके जो माशरा जो है वो जिस स्टेज के ऊपर है वहीं से हमें इनकलाब की जद शुरू करनी चाहिए तो प्रोफेसर साहब आप लातीनी अमरीका के इनकलाबी नज़रियात के बारे में कुछ वजहत फरमाना चाहेंगे लातीनी अमरीका का नाम आता है तो उसमें क्यूबा सर फहरस्त है कास्तर ची गबेरा ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ख्याल कि सोसाइटी को मेचोर होने दें वो ज़राती दौर से सनती दौर में आए प्रोलतारिया वजूद में आ जाए शहर फैल जाएं मज़दूर मुनज़म हो जाएं ताकतवर हो जाएँ फिर पाव पकड़ें तो इनकलाब होगा ये रशिया में चूंकि इससे एक तरह, तरह तहरीफ हुई और चीन में तो बिल्कुल डिफरेंटली माओ ने तो बल्कि जो ये अर्बन सेंट्रिक की बजाय बल्कि शहर छोड़ के गाँव में जा के पेजेंट्स को मोबाइज किया और उससे ये उससे ये एहसास पैदा हुआ कि मार्क्स के ख्याल में जो इसलाल को ख़त्म करना गैर मुल्की कब्ज़े को ख़त्म करना और जो पिसे हुए लोग हैं वो चाहे ज़रात से मुतक़ हों या चाहे सनत से मुतलक़ हों या शहरी गरीब हों उन तमाम की रिहाई के लिए उन तमाम की बेहतरी के लिए कुछ जल्दी होना चाहिए क्योंकि अगर इंतज़ार किया जाए तो पिछले कई हज़ार साल से तो इंतज़ार हो रहा है चीक वेरा एंड कंपनी ये जो नौजवान थे वहाँ के इन्होंने ये सोचा कि हमें आखिर ये जो आ, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये हम पर हुक्मरानी क्यों करते हैं दो वजूहत हैं एक तो ये कि इनके पास मुनजम मसल ताकत है और दूसरा ये कि ऐसा माइंड सेट ऐसी मेटाफिज़िक्स लोगों में फैलाई हुई है जो इनकी बढ़तरी और इनकी हाकमियत को कबूल करती है अगर ये आर्म्ड स्ट्रेंथ का खौफ लोगों के जहन से उतार दिया जाए और उन्हें ये साबित करके दिखा दिया जाए कि ये आर्म्ड जो हवा है इससे हम सब लड़ सकते हैं और इस पर ओवर पावर कर सकते हैं तो एक नेशनलिस्ट नुकतः नज़र से ये तकरीबन अस्सी आदमी जो हैं इन्होंने क्यूबा में एक दफ़ा गए और यानी मार धाड़ हुई और फिर दूसरी दफ़ा गए और दूसरी दफ़ा जा पावर पकड़ ली डिक्टेटरशिप थी लोगों के हालात बुरे थे हुकूमत के साथ लोग नहीं थे दिल से नतीजा ये है कि ये छोटी सी फौज जो है अस्सी आदमियों पर मुश्तम जिसमें कुछ कम रह गए बाद में किसान मिल गए और इन्होंने टेक ओवर कर लिया अब यहाँ से ये इनकी सर्वाइवल की बात थी डिक्टेटरशिप ख़त्म करना चाहते थे पर स ही ये कोई यानी लेफ्टिस्ट प्रोक्लेम्ड लोग नहीं थे एक तरह का नेशनलिस्ट अमेरिकन का भी यही अंडरस्टैंडिंग थी अब हुआ ये कि ये रशियन क्राइसिस हुआ मिसाइल क्राइसिस हुआ ब्लॉकेड हुआ टेक ओवर हुआ इसने पोजीशन ले ली अब ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल एक सिंबल बन गया ये जो जनूब का इलाका है इसमें डिक्टेटरशिप्स प्लांट करके अमेरिकन ने अपना जो रियर बेस है या जो पिछला यानी बैकयार्ड जिसे कहते हैं उसे एक तरह महफूज़ किया हुआ बनाना रिपब्लिक्स ऐसी रिपब्लिक्स बनाई तो यानी कंट्रोल करते थे और वहाँ पर कोई मुदाखलत जो शुरू में बरतानिया की मुदाखलत भी जो है वो उन्हें नापसंद थी और फिर बाद में जब रशियन इनकलाब हो गया तो उसमें ये समझते थे कि भाई ये काम ख़राब है और हम हमें इसे हर सूरत में रोकना चाहिए तो डिक्टेटरशिप्स थी उन डिक्टेटरशिप्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुल्कों में मसलह बगावते हुए और वो बुहावतों का एक लंबा सीरीज़ है जो कि होती रही और कुचली जाती रही और मसलन ये निकारा गो का ये रीसेंट यानी हमारे दौर में हमने देखा है कि निकारा गोवा का इनकलाब हुआ ये चिली में यानी बड़े बुरे तरीके पर आंदे को मारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अर्जेंटीन में ऐसा किया ये रिका पनामा में फोर्सेस और हर जगह पर ये इस तरह की मुदाखलतें रही तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए साउथ अमेरिकन आ, जो तरक्की पसंद तहरीक चलाने वाले लोग थे बिला आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें आवाम की वसी तर अक्सरीत को साथ लेकर और उनका जो शूर है उसे बुलंद करके हम पीस मील यक्सर रेवोल्यूशन नहीं पीस मील एक तरह सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के तहत तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके बड़े यानी ना हौसला अफजा नतज जो हैं वो हासिल हुए हैं इस वक्त बोलीविया में शावेज़ है ये मोरालेस है अर्जेंटाइना में डिसल्बा डिलूला वो अभी उसने हैंड ओवर किया है पावर बड़े पैमाने पर उसकी यानी डेवलपमेंट है चिली में भी एक यानी लेफ्ट ऑफ द सेंटर एक गवर्नमेंट आई है और एक टाइड है जो कि डेमोक्रेटिकली उस तरफ जा रही तो कॉन्सेप्ट उनका बुनियादी तौर पर यह है कि जो जो एकदम यानी रेडिकल डिपार्चर है उसकी बजाय एक वसी तर आवाम के तहरक से एक जो कौमी ज़राए हैं पहला काम ये है कि गैर मुल्की ग़लबे को ग़ैर मुल्की इसे रोका जाए अंदर अपने अवाम को कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो नस्बता ज़्यादा दी जाएँ तो ये एक पीस मील आ, स्टेप बाय स्टेप आ, तब्दीली की तरफ वेलफेयर तब्दीली की तरफ हरकत है उन मानों में जिस तरह के फ्रेंच या रशियन रेवोलूशन था रेवोल्यूशन नहीं जी अच्छा डॉक्टर साहब ये इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं और ये देखें कि लातीनी अमेरिका तो उन आ, हम समझते हैं कि उन खुशकिस्मत इलाक़ों में है कि जहाँ पर आर्म स्ट्रगल के बाद अब एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के ज़रिए एक कह लें कि इस तबके का रास्ता रोका जा रहा है लेकिन ये एक अजीब बात है कि जनूबी एशिया पाकिस्तान मिडल ईस्ट इन मुल्कों के अंदर और अफ्रीका के बेशुमार जो मुल्कों में जित जब भी इनकलाब के नाम पर कोई बगावत हुई है तो उसने फौजी डिक्टेटरशिप को हुई जन्म दिया है इसकी क्या वजह है क्या तब्दीली का कोई रास्ता मुसल जद सिर्फ फौज के जरिए ही की जा सकती है या ऐसा हाँ, ये हुआ? आ, एशिया और जैसा आपने कहा एशिया और अफ्रीका के बहुत से जो नबादियात के बाद यानी आज़ाद हुए आ, उनके साथ एक मसला जो था वो ये था कि नबादियात के, के ज़माने में जो यहाँ पर मुस्तकम इदारा था वो फौज का था अगरचे ब्यारोक्रेसी भी थी लेकिन फ़ौज का इदारा बहुत ज़्यादा मस्हकम था चूँकि उनके लिए ज़रूरी था कि यहाँ अगर ज़रा भी कोई मजाहमती तहरीकें हों बगावतें हों तो उनका खात्मा किया जा सके नतीजा उसका ये था कि आज़ादी के बाद यह इदारा उसी शक्ल के अंदर हम यानी इन काफ़ी मुल्कों के अंदर इसी शक्ल के अंदर आया अच्छा अब जैसे हम यानी जिक्र करते हैं पाकिस्तान का आ, या दूसरे मतलब के अफ्रीकन ममालिक हैं उनका या जैसे फिलपिन हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं इन मुल्कों के अंदर हुआ यह है कि चूँकि यहाँ पर जो वक्ती तौर के पर जमहूरी जमूरीतें आई चूँकि तजर्बात नहीं थे मतलब करप्शन था लोगों की हालत मतलब के ख़राब हुई तो उसके लिए इन फौजी आ, लोगों को एक मौका मिल मिल गया कि हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लें अच्छा अब ये वैसे जो फौजी आमरीतें आई हैं तो हमें थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए कि आमतौर से फ़ौजी आमरीतें जहाँ भी आई हैं उन्होंने कहा यह है कि हम इनकलाब लेकर आए हैं लेकिन ये एक तरह से इनकलाब नहीं था बल्कि ये फौजी आमरीत थी या जिसको कोदता जो है वो कहते हैं इसकी इब्तदा जो है देखा जाए तो सबसे पहले सत्रह सौ निन्यानवे में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी कि उसने भी फौज के ज़रिए से इसम्बली पर कब्जा करके और अपने आप को फर्स्ट काउंसिल बना लिया